अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक स्टाइल के शिराजी कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो इसके लिए मैंने ये 3 उबले हुए आलू लिए हैं। ये बड़े साइज में है और ये वेट में 1/2 kg है। तो ये जो आलू लिए हैं इसे हम पहले मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो पोटैटो मैशर ले लें, ये फोर्क की हेल्प से भी इसे अच्छे से मैश किया जा सकता है। ये देखिए, इस तरह से मैश कर लें आलू को पहले। तो ये देखिए, आलू को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड में और इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पैन ले लिया है। पैन में ऐड करेंगे 1 कप पानी। जो मेजरिंग कप होता है ना, उससे मैंने नाप के पूरा 1 कप पानी लिया है ये। और अब इसमें हम बाकी की चीजें ऐड कर देंगे। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। ये मैंने 1 teaspoon हल्दी ली है। 1/2 teaspoon अभी ऐड करेंगे और 1/2 teaspoon हम बाद में ऐड करेंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon बटर। ये मैंने 1 tablespoon बटर ये ऐसे ऐड कर देंगे। और जब ये पानी जो है ना पकने लगेगा, उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, पानी जो है ना अच्छे से पकने लगा है और जो इसमें बटर डाला था वो भी मेल्ट हो चुका है। तो अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें और स्लो फ्लेम पे इसमें मैं ऐड करूँगा 1 कप मैदा। ये मैंने पूरा 1 कप मैदा लिया है और 1 कप ही पानी लिया था, इसी कप से नाप के ही मैंने पानी लिया था। तो इसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखें। इसे हमें एक आटे की तरह बनाना है। थोड़ा जल्दी जल्दी मिक्स करें इसे। तो ये देखिए, मैं इसे बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करूंगी। इस तरह से करना है। ये बिल्कुल एकदम जैसे आप आटा गूंथते हैं रोटी का, उसी तरह हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल आटे की तरह कर लिया। ये देखिए, इसी तरह से होना चाहिए ये। और स्लो फ्लेम पे क्या है ना, ये थोड़ा भुनता भी रहता है। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें और उसके बाद जो ये मैदा डाला उसे अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद फ्लेम को ऑन कर लें और फिर इस तरह से इसे थोड़ा भून लें। ये देखिए, तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है। आप देखें, ये इस तरह से होना चाहिए। तो बस ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। फिर जो इसके कटलेट है उसे बनाना शुरू करेंगे। तो अब जो ये हमने आलू मैश करके रखे थे, इसमें हम सब मसालों को ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर और 1 teaspoon चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और जो ये हल्दी बच गई थी, 1/2 teaspoon मैंने डो बनाने में ऐड की थी और 1/2 teaspoon अब ऐड कर रही हूँ आलू के साथ। और 1/2 teaspoon ऑरिगेनो, 1/2 teaspoon गार्लिक पाउडर और ये मैंने एक छोटे साइज की प्याज ली है, उसे ग्रेट कर लिया। इसे ऐड कर लेंगे। इसका पानी नहीं निकालना, पानी जो आता है इसमें प्याज में है उसके साथ ही इसे ऐड कर लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा और जो हमने आटा बना के रखा था मैदे का, वो रेडी कर, वो इसमें ऐड कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और हाथ से ही मिक्स करें। हाथ से मिक्स करने में ये बहुत अच्छे से मिक्स होंगी। और इसमें मैंने भी नमक ऐड नहीं किया था, नमक भी ऐड कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 tablespoon ब्रेड क्रम्स। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसे मैं ऐड कर लूँगी। और इसमें मुझे थोड़ी चिली कम लग रही थी, तो इसीलिए मैंने 1 teaspoon चिली फ्लेक्स और ऐड किए हैं। चिली को आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, जितने आपको पसंद हो उस हिसाब से ले लें। और जो मैंने इसमें ऑरिगेनो और जो गार्लिक पाउडर ऐड किया है वो 1/2 teaspoon ऐड किया है। बहुत लाइट सा उसका फ्लेवर आएगा इसमें। तो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आप 1 teaspoon तक ऐड कर लें दोनों को, 1 teaspoon।
तो ये देखिए इसे भी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब ये कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। और जो ये कटलेट है ना, ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे और एकदम अलग सा इसका टेस्ट होगा। तो चलिए अब इस कटलेट्स को बना लेते हैं। तो अब कटलेट्स बना लेते हैं, तो हाथ में सबसे पहले ऑयल लगा लें, क्योंकि आलू के कटलेट्स हैं ना तो ये हाथ में बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। तो इस तरह से ऑयल लगा लें और अब कटलेट्स बना लेते हैं। जिस भी शेप में आपको पसंद हो उस तरह से बना लें। ये देखिए, और ये कटलेट्स देखिएगा आप लोगों को कितने पसंद आए। काफ़ी जल्दी बहुत ही आसानी से ये कटलेट्स बन जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसे बनाएं। और फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए इस तरह से ये कटलेट्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, देखा आपने कितनी आसानी से बन गए और एकदम यूनिक स्टाइल के शेप भी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक स्टाइल का है। तो अब इसमें हमें एक कट लगाना है, तो इसे हम बीच में इस तरह से कर लेते हैं। इसका शेप बहुत अच्छा लगेगा और अंदर तक ये अच्छे से सिक जाएंगे इस तरह से। और मैं इसके दिखा देती हूँ कि इसे हमें कितना मोटा बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटे मोटे कटलेट्स नहीं बनाना है, इस तरह से पतले से रखना है इस साइड से। और इस तरह से कट्स लगाएंगे तो ये बीच में से भी अच्छे से सिकेंगे। तो ये बनके तैयार है, अब इसे एक साइड में हम रख देते हैं। इसी तरह से दूसरा कटलेट बना लेते हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ बना के कटलेट को। इस तरह से करना है। और आपको मेरे चैनल पे बहुत ही अलग अलग तरह के और टेस्टी कटलेट्स की रेसिपीज मिलेंगी। इस तरह से कर लेंगे, देखिए। और अब इसे इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे फिंगर से, और इसे एक शेप दे देंगे हाथ से इस तरह से। ये देखिए बस ये तैयार है। और बीच में इस तरह से कट लगा लें। और ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से एकदम सॉफ्ट से और टेस्टी से बनेंगे। तो बस ये बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैं बाकी के कटलेट्स बना लेती हूँ, फिर आपको इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो कर दिया है। तो अब इसमें हम कटलेट्स ऐड कर देंगे। इस तरह से ऐड कर दो और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। और जब ये एक तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। और हाई फ्लेम पे इसे नहीं कुक करना है, इसे स्लो फ्लेम पे कुक करें जिससे अच्छे से ही क्रिस्पी हो जाए ऊपर से। तो ये देखिए एक साइड से इसे फ्राई होते हुए हो गए हैं करीब 2 से 3 मिनट। अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और आप ये देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आया है और ये काफ़ी ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे हैं। देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है। तो ये देखिए जो ये शिराजी कटलेट्स हैं बनके तैयार हैं। देखिए दूसरी साइड से भी बहुत ही बेहतरीन सा कलर आया है। तो ये देखिए इसी तरह से पलट पलट के इसे सेक लें और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम यूनिक स्टाइल की ये रेसिपी। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने थोड़े ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया है जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने बेहतरीन से दिख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से बने। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस इसी तरह से ये बहुत ही टेस्टी से शिराजी कटलेट आप लोग बनाएं। और जो बाकी के कटलेट हैं वो भी मैं अभी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से और बहुत ही टेस्टी से शिराजी कटलेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो जल्दी से अपनी किचन में जाएं और टेस्टी से कटलेट्स को बनाएं, और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसे लगे। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही में मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। इंजॉय करें शिराजी कटलेट्स। विश यू वाज किचन। थैंक यू।